हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड तो आज हम गए थे फ्रेंड मंदिर, तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं गई थी वहाँ पे। तो आज मैं वीडियो बनाया था थोड़ा सा, क्योंकि कल थोड़ा सा जो है बात हो गई थी वीडियो बनाने वाली, तब इसीलिए मैंने बनाया था। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा, तो मैं फ्रेंड जब घर से निकली तब का वीडियो नहीं दे पाई है आप लोग को, बट अभी मंदिर का मैं आप लोग को वीडियो जो है ज़रूर दूंगी थोड़ा सा। तो अभी मैं नंदी महाराज के पास, तो इतना सारा मधुमक्खी आ गया है कि ना पूछिए फ्रेंड। तो आज हम चढ़ाए थे प्रसाद भगवान जी को, तो प्रसाद में हम कल शाम को ही प्रसाद मंगवा लिए थे, जो कि अब ख़त्म हो जाएगा पुरुषोत्तम मास शायद बोलते हैं, उसके बाद फिर मलमास लगेगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ भगवान जी का पूजा, और प्लीज फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। अभी हम आपको बहुत ही अच्छी वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, अभी हम आपको किसी से मिलवाएंगे फ्रेंड। और यहाँ पे भोलेनाथ जी अपना देखिए किस रूप में और किस अवतार में बैठे हैं, तो आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव फ्रेंड। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी मंदिर है फ्रेंड, और मैं बताती हूँ ना कि मैं जाती हूँ सबसे पहला काम मेरा यही होता है। तो मैंने यहाँ से प्रसाद उसाद चढ़ा के भगवान को सारा कुछ करने के बाद मैं इधर से भी चलिए आप लोग को मिलवाती हूँ गौ माता से। और पता नहीं कहाँ से गौ माता आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी फ्रेंड कि मैंने गौ माता को भगवान जी को चढ़ाने के बाद मैंने उनका प्रसाद खिलाया, उनको बहुत अच्छा लगा और उनका पैर छुआ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं आप लोग को मिलवाती हूँ गौ माता से। तो अभी हम चलिए पूजा पाठ करके चलते हैं। तो ये देखिए गौ माता वहाँ मिल गई, तो मैंने सोचा मेरे याद आ गया, तो मैं फ्रेंड तुरंत प्रसाद निकाल के चढ़ाई माता रानी को, खिलाया मैंने तो खा लिया अच्छे से, और मैंने उनका पैर छुआ। फिर पैर छूने के बाद मैं निकल लिया, अभी निकलूँगी मैं फ्रेंड घर।